दोस्तों, क्या अब भी आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पढ़ते हैं? क्या आप इन महीनों की प्रोनाउंसिएशन इसी तरह से करते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल गलत करते हैं, ये सही उच्चारण नहीं है। इनका सही उच्चारण क्या है वो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। हेलो गाइस, व्हाट्सअप। दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्क इंग्लिश अकेडमी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर शादाब खान। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 12 महीनों के नामों की सही प्रोनाउंसिएशन सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला हम पढ़ते हैं जनवरी। तो दोस्तों, जो जनवरी है उसका सही उच्चारण जो है वो है जनवरी। जनवरी आप इसको देख सकते हैं, स्पेलिंग पहला जे है, फिर एन यू है यानी कि जैनु, उसके बाद में ए आर वाई अरी, जैनु अरी यानी कि जनवरी। दोस्तों, कई यूट्यूबर जो हैं, दोस्तों कई यूट्यूब पे इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं, वो इसको जनवरी बोलते हैं, जनवरी, जो कि गलत है। जनवरी यानी कि जेड का साउंड आ रहा है और जबकि यहाँ पे जेड है ही नहीं, जे का असली साउंड होता है जा, तो ये क्या हुआ, जनवरी। अगले महीने का नाम पढ़ते हैं फरवरी। जो आप फरवरी बोलते हैं बिल्कुल गलत बोलते हैं। आप इसकी स्पेलिंग देखें, इसकी असली स्पेलिंग है एफ ए बी आर, यानी कि इसको हम क्या पढ़ेंगे, फैब्र, फैब्र, उसके बाद में यू ए आर वाई, उसको पढ़ेंगे अरी, यानी कि इसका सही साउंड क्या होगा, फैब्रुअरी, फैब्रुअरी। अब दोस्तों, उसके बाद जो है मार्च, मार्च को हम मार्च ही इंग्लिश में बोलते हैं, उसके बाद में है अप्रैल। अब जो अप्रैल है उसका सही साउंड होता है अप्रैल, अप्रैल। एक पुराना गाना भी था अप्रैल फूल बनाया, तो उसमें भी अप्रैल बोलते हैं, अप्रैल नहीं बोलते हैं। अगला साउंड है मई, मई को आप जो मई बोलते हैं ये गलत है, आप इसको बोलेंगे मे, मे। जून का सही साउंड होगा जून, जून। और उसके बाद में आता है जुलाई। जुलाई में क्या होता है, अक्सर हम जो है बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं, जुलाई, जबकि जुलाई नहीं होता है, जुलाई, छोटी ई की मात्रा आपको लगानी है, जुलाई। उसके बाद हम पढ़ेंगे अगस्त। दोस्तों, इसको अगस्त नहीं पढ़ना है, देखिए ए यू की वजह से इसको हम पढ़ते हैं ओ, अगस्त, अगस्त। इसके बाद में है सितंबर, सितंबर को दोस्तों हम पढ़ेंगे सेप्टेम्बर। इसकी स्पेलिंग देखिए दोस्तों, एस ई पी यानी के सेप, टी ई एम यानी के टेम, बी ई आर यानी के बर, सेप्टेम्बर। उसके बाद में है अक्टूबर। अब देखिए दोस्तों, अक्टूबर आप गलत पढ़ते हैं, स्पेलिंग देखिए ओ सी यानी के ऑक, टी ओ यानी के टो, ऑक टो, बी ई आर यानी के बर, यानी कि इसको हम पढ़ेंगे अक्टूबर, अक्टूबर। उसके बाद में है नवंबर। नवंबर की स्पेलिंग देख लें दोस्तों, स्पेलिंग के हिसाब से ये क्या हो रहा है, नोवेम्बर, एन ओ नो वी ई एम वेम, नोवेम और बी ई आर बर यानी कि नोवेम्बर। उसके बाद में देखिए जो दिसंबर है उसको हम कैसे पढ़ेंगे, डी ई यानी कि डे, सी ई यानी कि से, सी ई एम यानी कि सेम, डेसेम और बी ई आर यानी कि बर यानी कि दिसंबर, दिसंबर। अब चलिए दोस्तों, इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। मेरे साथ में बोलिए जनवरी, जनवरी, फरवरी, फरवरी, मार्च, मार्च, अप्रैल, अप्रैल, मई, मई, जून, जून, जुलाई, जुलाई, अगस्त, अगस्त, सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर। अगर दोस्तों आपने इसको मेरे साथ दोहराया है तो यानी कि आपने सही उच्चारण किया है। अब से आप अपनी इंग्लिश करेक्ट कर लीजिए।
वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें ताकि ज़रूरी इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुँच जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। Oh,